बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इमरान अली सुमरो, लेक्चरर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, लाड़काना। टुडे वी आर डिस्कसिंग दी फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा इज डाइव फ्रॉम इन टू वर्ड्स, पोरी मीन्स पोर, फेरा मीन्स बियरिंग, मीन्स दे आर कॉमनली नोन एज अ पोर बियरिंग एनिमल्स आर स्पंजेस। इनके बॉडी के ऊपर से पोर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, नेम गिवन बाय द रॉबर्ट ग्रांट। इन एनिमल्स को पोरीफेरा नाम रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। ठीक है, इनकी 5000 स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय अ डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, इनकी 5000 स्पीशीज दुनिया में मौजूद हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली मेरिन इनहेबिटेड। ये साल्टी वाटर में रहती हैं, जैसे कि सी का वाटर। ठीक है, सामुद्री पानी जिसको हम कहते हैं, सामुद्री पानी में, सी के वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, साल्टी वाटर में रहते हैं, उनको हम मेरिन हैबिटेट कहते हैं। स्पंजेस मोस्टली मेरिन हैबिटेट होती है और 150 स्पीशीज फ्रेश वाटर हैबिटेट भी होती हैं। ठीक है, मोस्टली मगर मेरिन हैबिटेट है। दे आर एन मल्टी सेलुलर एनिमल। दे मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, एसिमेट्री कल एनिमल्स होते हैं, इनमें कोई भी सिमेट्री का प्लान नहीं होता है। एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी इनमें मौजूद नहीं होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, लार्वल फॉर्म में पहले जो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद जो है वो ट्रांसफर्ड होते हैं लार्वल स्टेज में। लार्वल स्टेज में जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं तो मोटाइल इन नेचर होते हैं। मोटाइल हम उनको उनको कहते हैं जो मूव एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, उनको हम मोटाइल कहते हैं। लार्वल फॉर्म के बाद जो है एडल्ट फॉर्म में जब स्पंजेस आ जाते हैं, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाते हैं, इसलिए हम इनको सीसाइल इन नेचर कहते हैं। ठीक है, स्पंजेस बॉडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ एटम और नोन एज ऑस्टिया और ऑस्कुलम। इसके इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पोर्स हजारों के तादाद में पोर्स मौजूद होते हैं। जब वाटर एंटर होता है, अंदर एंटर होता है थ्रू दी ऑस्टिया, और जब वाटर बाहर निकलता है थ्रू दी ऑस्कुलम। ठीक है, थ्रू दी ऑस्कुलम, ये ऑल पोर्स है। ऑल पोर्स आर कनेक्टेड विद द कैनाल्स, कैनाल से कनेक्टेड होते हैं थ्रू विच वाटर इंटर और एग्जिट। ये सारे जो बॉडी पे पोर्स मौजूद होते हैं वो कैनाल से कनेक्टेड होते हैं, उनकी वजह से वाटर इंटर भी होता है और एग्जिट भी होता है। दे आर ने डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। इनकी बॉडी में दो लेयर्स मौजूद होते हैं, एक का नाम है एक्टोडर्म, दूसरे का नाम है एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होते हैं वो पिनेकोसाइट्स से बनते हैं, और इंडोडर्म जो होते हैं, इंडोडर्म लेयर जो होते हैं वो कोनियोसाइट्स, जिसको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म वन एनदर नॉन सेल्यूलर गिलेटिनियस लेयर इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज अ मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा नॉन सेल्यूलर गिलेटिनियस लेयर है जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मौजूद होता है, उसको हम मेसेनकाइमा कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ द एमोबोसाइट्स एंड स्पेक्यूल्स। स्पेक्यूल्स स्पंजेस में नोकदार स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको हम स्पेक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, स्पेक्यूल्स जो होते हैं वो कल्केरियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, सिलिकियस इन नेचर भी होते हैं। ठीक है, विच आल्सो मेड द स्केलेटल ऑफ द स्पंजेस। स्पंजेस के स्केलेटल कौन बनाते हैं? स्पेक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन एंड एस्क्रिएशन थ्रू द बॉडी सरफेस, थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। क्योंकि ये वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, इनमें रेस्पायरेशन एंड एस्क्रिएशन थ्रू द डिफ्यूजन और थ्रू द जनरल सरफेस होता है। ठीक है,
दे हैव नो माउथ, इनमें माउथ भी नहीं होता है, एनस भी नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, एस्क्रेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। इनमें डाइजेशन होती है मगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, सेल्स में अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इनमें वेल डेवलप्ड सिस्टम भी मौजूद नहीं है, ठीक है। हॉलो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज अ स्पंजो सील कैविटी। इनमें जो कैविटी मौजूद होती है उसको हम स्पंजो सील कैविटी कहते हैं, ठीक है। स्पंजो सील कैविटी को हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, व्हिच इज डिवाइडेड और नॉट डिवाइडेड और रीडिवाइडेड। ये स्पंजो सील कैविटी जब डिवाइड नहीं होती है इन टू दी कैनाल्स और चैम्बर्स, ठीक है, कैनाल्स और चैम्बर्स में स्पंजो सील कैविटी डिवाइड नहीं होती है तो उसको हम एस्कॉन कहते हैं, ठीक है। फिर स्पंजो सील कैविटी डिवाइड होती है इनटू अ कैनाल्स और चैम्बर्स, कैनाल्स या चैम्बर्स में स्पंजो सील कैविटी अगर डिवाइड हो तो उसको हम साइकॉन कहते हैं। और स्पंजो सील कैविटी और पैरागैस्ट्रिक कैविटी डिवाइड भी हो और रीडिवाइड अगेन एंड अगेन डिवाइड हो इनटू अ कैनाल्स और चैम्बर्स एज नोन एज अ ल्यूका, ठीक है। ये जो स्पंजो सील डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है और डिवाइड नहीं होती है ड्यूरिंग दी लार्वल स्टेज, ये लार्वल स्टेज में स्पंजो सील डिवाइड भी होती है, रीडिवाइड भी होती है और डिवाइड नहीं भी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग दी लार्वल स्टेज। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज होती है उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वाटर इंटर और एग्जिट थ्रू दी केनाल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि केनाल सिस्टम इनमें मौजूद है और पोर्स व्हिच आर कनेक्टेड विद दी केनाल्स, केनाल्स से पोर्स कनेक्टेड होते हैं, उनके थ्रू वाटर इंटर भी होता है और एग्जिट भी होता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि केनाल सिस्टम कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है, आप कहेंगे फाइलम पोरिफेरा में, ठीक है। मेनी स्पंजेस आर कलर्ड, ये हमको कलर्ड भी नजर आते हैं ड्यू टू द सिम्बायोटिक एल्जी, सिम्बायोटिक एल्जी की वजह से ये कलर्ड होते हैं। और पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट इन एमोबोसाइट्स में मौजूद होती है, इसलिए हमको ये कलर्ड वाले स्पंजेस दिखते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर स्पंजेस फिल्टर्स मोर देन 20 लीटर्स एवरी डे, ये देखो ना 10 सेंटीमीटर स्पंजेस कितना वाटर फिल्टर करता है, 20 लीटर पर डे, ठीक है। और मोस्टली दे आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल, हर्माफ्रोडाइट हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, मेल सेक्सेस भी प्रेजेंट हो और फीमेल सेक्सेस भी प्रेजेंट हो, उनको हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट को बायसेक्सुअल भी हम कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें स्पंजेस में एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल थ्रू द रीजनरेशन और गैम्यूल फॉर्मेशन, गैम्यूल फॉर्मेशन को हम इंटरनल बड भी कहते हैं। गैम्यूल फॉर्मेशन, ये गैम्यूल है, इनमें अंदर हजारों के तादाद में सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं, मैंने लिखा होगा आर्कियोसाइट्स, ये देखो आर्कियोसाइट्स कहते हैं, मतलब तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू दी रीजनरेशन और गैम्यूल फॉर्मेशन, गैम्यूल में अंदर हजारों के तादाद में स्मॉल सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जिनमें स्पर्म और एग व्हिच आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, स्पर्म एंड एग व्हिच आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म दी जायगोट, जायगोट फर्टिलाइज्ड एग को हम कहते हैं। ये देखो ये जायगोट बना, जायगोट बना, जायगोट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू अ लार्वा, लार्वा में ट्रांसफर होगा और लार्वा को हम स्पंजेस के लार्वा को हम नाम देंगे, नाम है उसका एम्फीब्लास्टुला, ठीक है।
एम्फीब्लास्टुला लार्वा व्हिच इज फर्दर ट्रांसफर्ड इनटू अ यंग वन। लार्वा के बाद जो है इनमें यंग वन पैदा होंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यंग वन पैदा होंगे। ठीक है, स्पंज इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल यूज्ड। कमर्शियल यूज्ड के लिए पहले ये यूज्ड होते थे और फिशिंग के लिए भी यूज होते थे और कल्चर के लिए भी ये यूज होते थे, मगर ऑल दीज आर रिप्लेस्ड बाय द आर्टिफिशियल स्पंजेस। अभी मार्केट में आर्टिफिशियल स्पंजेस आ गए हैं, इसलिए इन सारों को जो है उन्होंने रिप्लेस्ड कर दिया है। और एग्जांपल इनका यूप्लेकिला है, स्पंजिला है, साइकान है और यू स्पंजिला, और बाथ स्पंजेस भी इसका एग्जांपल है, ग्लास स्पंजेस भी इसका एग्जांपल है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्पंजिला जो है फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं। दैट्स ऑल।